हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। आज जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास टॉपिक है। मोस्टली आप घर में यूज़ करते होंगे जो ब्रिक होता है। आप घर बनाते हैं तो आप ईंट क्वांटिटी निकालते हैं। वो ईंट क्वांटिटी निकालने के लिए मोस्टली क्या होता है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है एंड साइड पे भी आप रिक्वायरमेंट ब्रिक्स निकाल सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार इन वाल। एक वाल होती है, वाल के अंदर आप ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ब्रिक वाल में, एंड उसमें जो मोर्टार हमारे यूज़ हो रहा है उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, तो आज हम इसी वीडियो में आपको यही बताऊँगा, ठीक है। तो आपने अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए इससे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँ जो भी सिविल रिलेटेड से अपलोड होती है, ठीक है। और इसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंट लगती है और कितना मसाला रिक्वायरमेंट होता है, और 9 इंच में जो 9 इंच वाल होती है, 9 इंच की 230 mm जो उसकी थिकनेस होती है वाल की, उसमें कितनी ब्रिक लगती है। एंड और जो 4.5 इंची होती है, 4.5 इंची की जो हाफ 4 इंची की वाल होती है उसमें कितनी ब्रिक लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CENT सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है हमारे पास, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक क्यूबिक मीटर है, ये वाल है हमारे पास, इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 1 मीटर है। 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर हाइट है एंड 1 मीटर ब्रेथ है वाल की जो हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसकी। की मैनुअली एक छोटा सैंपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं क्वांटिटी के लेंगे ये, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ब्रिक वर्क, जो हम ब्रिक वर्क में क्वांटिटी हम जो निकाल रहे हैं ब्रिक वर्क की, जो ब्रिक हमें निकालनी है और मोर्टार निकालना है हमें उसके लिए, ठीक है। कि क्या निकालते हैं, हमारे पास लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर एंड हाइट है 1 मीटर। इसको एक क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं, एक क्यूबिक मीटर का निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और रेशियो क्या ले रहे हैं, हमें मोर्टार निकालना है, मोर्टार के लिए रेशियो क्या ले रहे हैं, 1:6। वन रेशियो क्या क्या है इसमें, 1 क्या है सीमेंट एंड 6 क्या है सैंड, ठीक है। सीमेंट और सैंड का जो मिक्सिंग मोर्टार ले रहे हैं हम, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर लेते हैं, ये थिकनेस क्या लेते हैं मोर्टार की, जो मोर्टार है हमारे पास, हम जो मोर्टार यूज कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या ले रहे हैं, थिकनेस मोस्टली 10 mm लेते हैं, ठीक है। मोस्टली हम 10 mm ही ले रहे हैं ब्रिक वर्क निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है हमें, बस टोटल वॉल्यूम है हमारे ब्रिक वर्क की एंड हमें एक ब्रिक की वॉल्यूम, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 1 ब्रिक है जो ड्राई ब्रिक है हमारे पास, 9 इंच है, 230 mm है और इसकी जो चौड़ाई है 4.5 इंच है, 115 mm है, और जो उसकी थिकनेस है वो 3 इंच है, 75 mm, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो ब्रिक लेते हैं हम मोस्टली ये साइज ले रहे हैं, ठीक है। आप इस साइज़ में इसलिए ले रहा हूँ, आप इस साइज से आप घरों में जो मोस्टली फोरमैन होते हैं या फिर कोई भी मैनुअली जो भी अपने घर में निकाल सकता है, और मैनुअली साइड पे तो ये ब्रिक यही यूज़ होती है आज जो मोस्टली, अब साइज हो गया थोड़ा, थिकनेस एंड विड्थ थोड़ी कम हो चुकी है सब में, बाकी मोस्टली ये स्टैंडर्ड जो साइज है ये लेते हैं हम। थिकनेस क्या है हमारे पास, 10 mm है, ठीक है। और एक जो हमारे पास मोट वॉल्यूम है हमारे पास, एक ब्रिक, 1 ब्रिक है हमारे पास 230 × 115 × 75 mm, ठीक है। और ये है वेट,
ये हमारे पास है ड्राई ड्राई ब्रिक, ठीक है। उसके बाद विद मोर्टार के साथ क्या है हमारे पास, विद मोर्टार से क्या हो जाता है आपको मैं बता दूं, जो ये ब्रिक वर्क होता है हमारे पास, ये मोर्टार यूज़ हो रहे हैं हमारे पास ब्रिक में, जो मोर्टार यूज़ हो रहा है इसमें क्या करते हैं, एक ब्रिक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो 5 mm मसाला यहाँ पे 10 mm आएगा, इधर भी 10 mm आएगा और इधर भी 10 mm आएगा, ठीक है। 5 mm तो इसका साइज ले लेते हैं क्योंकि ये ब्रिक है, अलग अलग ब्रिक है, 5 mm इसके लिए है और 5 mm इसके लिए, तो 5 mm इसके लिए ले लेते हैं और इधर से भी 5 mm, दोनों तरफ मसाला लगता है इसके तरफ, इधर भी और इधर भी, तो 5 mm इसका ले लेते हैं, 5 mm इधर का, 5 mm टॉप और 5 mm बॉटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या सरफेस, जो ब्रिक का जो सरफेस एरिया है वह जाएगा 5 mm एंड 5 mm, 240, 5 mm इधर प्लस हो गया, 5 mm इधर प्लस हो गया मसाला। अलग अलग ब्रिक का लेना है, ये ब्रिक है इसका अलग है, जो इसका हाफ करेंगे तो 5 mm इसमें प्लस हो जाएगा, 5 mm इसमें प्लस हो जाएगा, इनटू लेंथ एंड ब्रेथ। चौड़ाई हमारे पास क्या है, जैसे ब्रिक है इसको हम इस तरह से देखेंगे 240 हो जाएगा, और इस तरह से 5 mm मसाला हमारे पास इधर चढ़ेगा, 5 mm इधर चढ़ेगा, 10 mm लेते हैं ना मसाला, तो उसका सेंटर कर देंगे ना मसाले का, मोर्टार जो हम यूज कर रहे हैं उसको सेंटर कर देंगे, तो 15 + 10 mm, 5 + 5 इधर का, 5 उधर, प्लस 5 और 5 + 125 इंटू, अब ये ले लेते हैं थिकनेस, 5 mm टॉप पे चढ़ेगा मसाला। देखो यहाँ ब्रिक वर्क जो हो रहा है, 10 mm मसाला ले रहे हैं ना, मोर्टार यूज हो ले रहे हैं, मोर्टार यूज कर रहे हैं, 5 mm टॉप पे हो जाएगा और 5 mm बॉटम में, इसका सेंटर में यूज जाने के लिए, हमें ब्रिक के मोर्टार के सेंटर में जाने के लिए, तो 85 mm, ठीक है, 85 mm हो जाएगा टोटल। हम जो ब्रिक की थिकनेस हमने ली है, जो डायमेंशन ली है हमने ब्रिक की, तो mm में ली है ना, ठीक है, ये निकाल, ये mm में वॉल्यूम निकाल ले रही है हमने, तो इसका वॉल, इसका क्या है हमारे पास, अभी कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, अगर हम इसको पॉइंट में ले लेते हैं, मीटर में निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं मीटर में, मैं एक्चुअल निकाल देता हूँ, पॉइंट 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 0 0 पॉइंट पॉइंट 23 इंटू पॉइंट 115 इंटू पॉइंट 0 7 5 0.00198, ये क्या होगा मीटर क्यूब, एक ब्रिक का जो ड्राई है विदाउट मोर्टार, ठीक है, विदाउट मोर्टार जो हम यूज़ कर रहे हैं, और विद मोर्टार में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका डायमेंशन क्या है, 0.24 इंटू 0.125 इंटू 0.085, इसके डायमेंशन हमारे पास क्या है, 0.00255, ठीक है, ये मीटर क्यूब विद मोटर। ये विद मोटर है, ये विदाउट मोटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या करते हैं, हमें हमें क्या ब्रिक चाहिए, हमें चाहिए विदाउट मोटर ब्रिक चाहिए हमें, ठीक है, और कंसम्पशन जो हमारे पास हो रही है वो विद मोटर हो रही है, ठीक है, तो इसमें हमें मोटर कंसम्पशन अलग निकल जाएगी और जो रिक्वायरमेंट है ब्रिक की वो अलग निकल जाएगी, ठीक है, तो आज हम निकालते हैं, और रिक्वायरमेंट निकालनी है हमें, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक्स, इसका क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स, टोटल वॉल्यूम हमें वॉल की निकालनी है,
अब हम इसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम टोटल 1 मीटर है, 1 1 मीटर डिवाइड 1 मीटर के निकालना है, और 1 वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोर्टार जो हम ब्रिक वर्क में यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या है, 0.00.00255। ठीक है, ये विद मोर्टार यूज़ हो रहा है। इसमें हमें जो कंसम्पशन जो रिक्वायरमेंट आई है ब्रिक की, वो क्या आई है हमारे पास, डिवाइड करने पे क्या मिलता है हमें, 1 डिवाइड 0.00255 इक्वल टू है 392.15। इसको हम सेव कर सकते हैं 393 ब्रिक्स। जो हमारी ब्रिक की जो रिक्वायरमेंट आई है वो 393 है, तो फिर 392। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, ब्रिक की रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है ब्रिक की वॉल्यूम है, अब हम इसमें निकालने का वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ठीक है, हमारे पास विदाउट मोटर की वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास, एंड विद मोटर के लिए, जो विदाउट मोटर के लिए हमारे पास जो 1 ब्रिक की जो वॉल्यूम है ये है, और विदाउट मोटर, ठीक है, और जो विद मोटर के लिए जो 1 ब्रिक की जो वॉल्यूम है 0.00255 m³। हमें निकालनी है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन ड्राइव कंसम ड्राइव क्यूबिक मीटर। जो ब्रिक वर्क में है हमारे पास ड्राइव वो वेट मोटा निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल देंगे हम तो वेट वॉल्यूम मोटा निकल जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ड्राई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक जो हमारे पास एक ब्रिक की जो वॉल्यूम है इनटू टोटल टोटल जो हमारे पास टोटल जो ब्रिक आई है हमारे पास इसमें, ठीक है, ड्राई वॉल्यूम क्या है हमारे पास 0.00198 × 392 ब्रिक जो हमारे पास कंसप्शन आई है इसमें। तो हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम क्या है हमारे पास, जो ड्राई जितनी हमारे पास इसमें वो ब्रिक्स लगी है उनकी वॉल्यूम क्या है, 0.77616 m³। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई 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 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक की। ठीक है, वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार चाहिए, वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार जो हमारे पास में वेट वॉल्यूम मोर्टार क्या आएगा, 1 क्यूब मीटर माइनस ड्राई, 1 क्यूब मीटर वाल की वॉल्यूम है ये हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है, 0.2976 m³। ये हमारे पास क्या आया, वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ठीक है, जब हम वो वेट वॉल ब्रिक्स को निकाल देंगे तो वेट वॉल्यूम निकल जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, ड्राई निकालना है हमारे पास, ड्राई वो कंसम्पशन के लिए, उसके लिए क्या निकालते हैं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। ठीक है, हमें ये चाहिए, ब्रिक्स निकल चुकी है, मोटर की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम 1 m³। 1 क्यूब मीटर क्यूब में निकालने के लिए जो कंसम्पशन होती है 1.33। ये 1.33 कैसे आया मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, जो उसका डेरिवेशन जो है मैनुअली क्या होता है, जो सीमेंट और सैंड जो हम इसको मिक्सिंग करते हैं, तो इसमें ये वॉल्यूम 33 आता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाती है इसकी, तो हमारे पास क्या आया, ये 0.29 ठीक है, 1.1 माइनस इन साइन करने पर माइनस करने पर हमें क्या आता है, 0.2238 सॉरी, ये आता है
इसको माइनस करने पर हमारे क्या आता है, 0.002284, ये हमारे पास m³। ये ड्राइव वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर की आ जाती है। ठीक है, वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर के लिए, वेट वॉल्यूम मोटर ड्राइव वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम मोटर की ड्राइव वॉल्यूम निकालना है हमारे पास 1.33। इसमें हम इसका मतलब कि हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राइव वॉल्यूम मोटर की हमारे पास 0.22 2384, ठीक है, इंटू 1.33, ये डेरिवेशन है वेट वॉल्यूम और सीमेंट एंड मोटर के लिए, जो मोटर होता है उसके लिए निकालने के लिए। प्लास्टर में मोस्टली यूज होता है, इसको मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, रेशियो हमारे पास क्या है, रेशियो क्या है, 1:6, और इसका सम क्या होगा हमारे पास, 1 + 6 = 7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सीमेंट, सीमेंट निकालना है हमें, जो सीमेंट एंड सैंड का जो मोर्टार है उसमें सीमेंट निकालना है। रेशियो क्या है सीमेंट का, 1, टोटल सम क्या है 7 × 0, इसको मल्टीप्लाई करने पर होता है 2.2976 m³। ठीक है, 2976, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर क्या आता है हमारे पास, 0.042 m³, हमारे पास सीमेंट आ गया वॉल्यूम में। अब हमें इसको क्या निकालना है, केजी में निकालना है। केजी में निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है सीमेंट की, 1 m³ = 1440 kg। सीमेंट होता है कंसप्शन होता है जो बिल्कुल कंपैक्टेड होता है अच्छी तरह से, सीमेंट का जो वॉल्यूम एरिया जो होता है। ठीक है, केजी में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0.042 हमारे पास वॉल्यूम आ गई है और डेंसिटी है इंटू 1440 kg, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आता है हमें, 60.48 kg। ठीक है, ये हमारे पास केजी में आ जाएगा। और हमें फुट में चाहिए, क्यूबिक फुट में चलने के लिए हमारे पास क्या आता है, 0.042 × 35.5.31। ठीक है, एक तो ये मेथड है, बिकॉज 1 m³ = 35.3147, ये होता है। और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, 1 bag = 50 kg। ठीक है, हमारे पास टोटल केजी आ चुका है 60.48 kg डिवाइड बाई 50। दूसरा तरीका ये है इसको निकालने के लिए, इसको याद रखना। ठीक है, इसको निकालते हैं हम, 0.042 × 35.3147, 1.48 नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, नंबर ऑफ बैग निकल जाएंगे, सीमेंट निकल गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए अब, सैंड, सैंड के लिए क्या करते हैं, रेशियो क्या हमारे पास सैंड का, 6:7, एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ये ड्राई वॉल्यूम है, टोटल ड्राई वॉल्यूम 0.2976। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है, सैंड का 6/7 6/7 × 0.2976, 0.255 m³ आ चुका है हमारे पास। ठीक है,
अब इसको हमें निकालना है क्योंकि फुट में, क्योंकि फुट में निकालने के लिए 255 × 35.3147, आपको पता है 1 क्यूब मीटर में 35.3147 क्यूबिक फुट होते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास 0.255 × 35.3147 क्यूबिक फुट, ठीक है। केजी में निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता होगा डेंसिटी सैंड की क्या होती है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1450 से 1500। ये अपन की ध्यान देना होगा कि जो डेंसिटी होती है लूज की होती है, जिसको कंपैक्टेड अच्छे से जो कंपैक्टेड हो जाता है उसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या आ जाती है, 1640 से 1700 के बीच आ जाती है, 1540 से, सॉरी 1540 से 1600, ये डेंसिटी आ जाती है सैंड की। और जो हमारे पास साइड पे है उसको लूज निकालने के लिए जो फिलिंग करते हैं, जो पॉकेट से निकालते हैं, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये होती है जो अच्छी तरह कॉम्पैक्ट होती है, तो ये हो जाती है डेंसिटी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, के जी में 1 मीटर क्यूब 0.255 × तो इसका मीडियम ले लेते हैं 1450 kg, तो हमारे पास क्या आया के जी में सैंड का, 0.255 × 1450, 369.75, 369.75, और से इसको हम कह सकते हैं 370 kg सैंड, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है सैंड के केजी में है। मोस्टली तो हम क्यूबिक फुट में रिक्वायरमेंट मंगाते हैं तो क्यूबिक फुट में मंगाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे साइड पे या कहीं भी रिक्वायरमेंट बताओ केजी में या फिर क्यूबिक में या क्यूबिक मीटर में, ठीक है। सीमेंट हमारे पास बैग्स में निकल चुका है हमारे पास, और हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ब्रिक्स सैंड और सीमेंट। ब्रिक्स क्या आई, कितनी रिक्वायरमेंट है क्यूब मीटर में, 392, ठीक है, 392। और सैंड हमारे पास क्या है, हमारे पास सैंड 9 क्यूबिक फुट और 0.255 मीटर क्यूब, और सीमेंट क्या है, 1.48 और 1.5 बैग्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई कमेंट है या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और या फिर आप किसी इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछना, या फिर आप कोई और इससे रिलेटेड कोई और सिविल से रिलेटेड कोई और आपको क्वेश्चन है तो आपके लिए जरूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना, एंड जो नीचे लाइट रेड बटन में दिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।